हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिविटी लवर्स में। और आज देखिए, मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल सॉक्स की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ये पंजाबी जूती बनाई है मैंने। ये 8 से 10 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। बहुत प्यारी, इतनी आसान है ना, बहुत इजी सॉक्स है ये। देखिए ऐसे, बहुत आसान है इसे बनाना। बिल्कुल इजी मेथड से मैंने इसे बनाया है, बिल्कुल इजी तरीके से। और देखिए, ये पहनी हुई भी पैर में बहुत प्यारी लगेगी। तो इसे मैंने बेसिक 2 रो से बनाया है। देखिए, सिलाई पर मैंने फंदे डाले 18 फंदे लिए हैं मैंने नीडल पर। 18 फंदे लेने के बाद देखिए 28 रो बनाई हैं ये मैंने, ऐसे दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए ऐसे 14 धारियां हमारी एक तरफ से, देखिए 14 ही धारियां हमारी दूसरी तरफ से बनेगी। अब इसके बाद यहां पर हमने अपना सेकंड कलर लगाना है। इसके साथ मैं अपना सेकंड कलर लगाऊंगी। और एक बात बताना चाहती हूँ आपको, मैंने इसे ना देखिए 3 ply वूल से बनाया है ना, और सिलाई मैंने देखिए इसमें 10 नंबर की ली है। वैसे जब हम कार्डिगन बनाते हैं 3 ply वूल लेते हैं तो हम सिलाई देखिए 9 नंबर की लेते हैं, लेकिन सॉक्स में हमने 10 नंबर की सिलाई ही लेनी होती है। अब यहाँ पर मैं अपना सेकंड कलर लगाऊंगी और सेकंड कलर के साथ देखिए ये रो मैं बनाऊंगी ऐसे। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फंदे बनाने हैं। ये 3 फंदे हमने छोड़ देने हैं। यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे, देखिए ऐसे धागा दूसरी तरफ करूंगी। इन्हीं 15 फंदों को फिर से मैं सीधा बनाऊंगी, क्योंकि दोनों तरफ से हमने सीधी सीधी रो बनाई है ऐसे। अब इन्हीं फंदों को फिर से हम सीधा सीधा बना लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से इसे मैं बता रही हूँ आपको। और अगर आप इसे देखिए अपने लिए, बड़ों के लिए भी बनाना चाहते हैं तो भी ये बन जाएगी। फिर भी बनाने में ये बिल्कुल इजी है। आपने अपने पैर के साइज़ के अकॉर्डिंग फंदे रख लेने हैं और लेंथ भी उसके अकॉर्डिंग ही बनानी होती है ऐसे। ये पूरी रो कंप्लीट कर ली हमने दोनों तरफ से। अब ऐसे ही हमने देखिए 3 फंदे फिर से ये वाइट वाले छोड़ देने हैं, और इन फंदों को देखिए मैं ऑरेंज कलर से बना लूंगी ऐसे। ये रो ऑरेंज से ये देखिए 3 फंदे छोड़े। अब यहीं से फिर से वर्क को टर्न करेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लूंगी और इन फंदों को ऐसे बना लूंगी। अब उसके बाद देखिए फिर से हमने ये अपना, मैंने क्रीम कलर लूंगी मैं, फिर से वैसे ही ऑरेंज के 3 फंदे छोड़ दूंगी और ये 9 फंदे मैं देखिए क्रीम कलर से बना लूंगी। यहीं से हमने वर्क को टर्न करना है और धागा दूसरी तरफ करते हुए 9 फंदे में फिर से देखिए बना लूंगे। देखिए, ये हमारी ना एक कली बन गई ऐसे ही। जैसे ये एक कली बनी है, हमने देखिए 16 कलियां ऐसे ही बना लेनी है। अब पूरी रो हमने देखिए ये ओरिंग से बनानी है, पूरी रो ऐसे।
अभी इधर से भी ये पूरी रो देखिए ऑरेंज सी आएगी। देखिए ये पूरी रो देखिए, कोई फंदा यहाँ से नहीं छोड़ा है, पूरी रो इधर से भी एक और इधर से भी हमने ऑरेंज से बनाई। अब फिर से हमने अपना सेकंड कलर लगाना है और सेकंड कलर बनाते हुए देखिए यहाँ तक 3 फंदे छोड़ने तक देखिए ये सारे फंदे हम बना लेंगे। ये 18 फंदे हैं, 3 छोड़ेंगे, 15 फंदे हम देखिए सेकंड कलर से बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए देखिए, ये 3 फंदे छोड़ने तक बनाया, धागा दूसरी तरफ करते हुए ये पूरी रो हम वाइट से ही बना लेंगे, क्योंकि हर एक कलर से हमने दो दो रो बनानी है ऐसे। देखिए इसके बाद ऑरेंज से फिर से बनाएंगे ये 3 फंदे छोड़ने तक, ठीक है। पहले देखिए वाइट से बनाई तो ऑरेंज के 3 फंदे छोड़ दिया, अब ऑरेंज बनाएंगे तो वाइट के 3 फंदे छोड़ देंगे, फिर वाइट से बनाएंगे देखिए फिर ये 3 फंदे देखिए ऑरेंज वाले छोड़ देंगे। जब 9 फंदे देखिए ये हम वाइट से बना लेंगे, उसके बाद ऑरेंज से एक पूरी रो सीधी और दूसरी तरफ से भी सीधी, उल्टी और सीधी तरफ से 2 रो बनाने के बाद फिर से हमने यही वाली कली बनानी है। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बनाई हुई है ऐसे, इधर से भी इधर से भी। तो इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए ये इतनी मैंने सॉक्स बना ली है, जैसे मैंने आपको बोला है कि 16 कलियाँ हमने बनानी है। आप रो यहाँ से काउंट कर सकते हो, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 रो बनाने के बाद, अब जैसे हमने ये वाला पोर्शन बनाया था ना, इधर से भी सीधी और इधर से भी सीधी, दोनों साइड से सीधी सीधी रो बनाते हुए हमने देखिए ये यहाँ से 28 एक तरफ से 14 धारियाँ हमारी आएंगी, तो वो बना लेनी है अब हमने ऐसे दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए। दोनों तरफ से हमने देखिए ये 18 फंदे सीधे सीधे बनाते जाना है ऐसे। और यहाँ से जैसे मैंने आपको बोला था, देखिए पहले हमने पूरी रो बनाई, फिर वाइट से बनाया ये 3 फंदे छोड़ दिए, देखिए ये ऑरेंज से बनाया वाइट के 3 फंदे छोड़े, वाइट से बनाया फिर ऑरेंज के 3 फंदे छोड़ने के बाद देखिए टोटल ये पूरी रो बनाई। ये एक कली होगी, 2 होगी 3 होगी 4 होगी 5 होगी, ऐसे हमने देखिए इसे काउंट किया है। तो ये मैं बना लेती हूँ पहले रो अपनी दोनों तरफ से सीधी सीधी, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए ये 14 मैंने धारियाँ बना ली हैं, 28 रो बनाई हैं हमने टोटल। अब क्या करना है, हमने दो का एक करते हुए ये सारे फंदों को बंद कर देंगे ऐसे, दो का एक, फिर से वापस लेंगे सिलाई पर, फिर से दो का एक, फिर से वापस लेंगे सिलाई पर, दो का एक, ऐसे करते हुए ना ये सारे बंदे फंदे हमने बंद कर देने हैं ऐसे। फिर इसे वापस इसी सिलाई में एक फंदा साथ में लेंगे, उल्टा बना देंगे दोनों को, फिर से ये एक फंदा साथ में लेंगे उल्टा बना देंगे, फिर से ये फंदा एक फंदा साथ में लेंगे उल्टा बना देंगे। ऐसा करते हुए देखिए ये सारे फंदों को मैं बंद कर दूंगी। देखिए यहाँ से सारे फंदे कंप्लीट बंद करने के बाद हमने क्या करना है, सॉक्स को ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ने के बाद इसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से नीचे से यहाँ तक पूरा टोटल सिल लेंगे, और यहाँ से सिलते समय हमने धारी से धारी मिलाते हुए इसे सिलना है। पहले यहाँ से शुरू करेंगे इसे सिलना, यहाँ से देखिए ये सॉक्स का पेयर बनकर हमारा रेडी है, और बहुत प्यारा बहुत ब्यूटीफुल ये बनकर लग रहा है।
तो अगर आपको ये मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और कहना चाहती थी आपसे, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप देखिए पर्ल मोती, या फिर अगर पैर में पहनने के बाद अगर ये खुला लगे तो यहाँ से आपने देखिए इसे ऐसे सुई से ऐसे करते हुए धागे से थोड़ा सा ऐसे टाइट कर सकते हो आप। और यहाँ पर कोई फ्लावर वगैरह कुछ भी आप लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।